चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट्स के दायरे अख्तियार के तहत चंद दिलेर मीडिया रिपोर्टर्स और सोशल वर्कर सफिया माही की जानिब से एक स्टिंग ऑपरेशन मुनक्किद करते हुए एक दरिंदा सिफत एजेंट बाबा का किया गया पर्दाफाश। फलकनुमा एसीपी शेख जहांगीर ने इसी खसूस में आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए तमाम तर तफसीलात बताई और कहा कि सैयद हुसैन नामी 25 साल शख्स जो कि बसुआ कल्याण का रिहायशी है और वो पेशे से लॉरी ड्राइवर का काम किया करता है, पिछले कुछ दिनों से शहर हैदराबाद आकर अपनी साली के घर में मुकीम था और वहाँ पर ख़वातीन को इलाज के नाम पर घरेलू व माशी मसाइल से छुटकारा दिलाने या फिर ख़वातीन के पोशीदा अमराज का इलाज करने के और पैसों की बारिश करने का झूठा दिलासा देते हुए पहले तो ख़वातीन का इत्मीनान व भरोसा हासिल कर लेता और फिर ख़वातीन के फहश व अरिया तस्वीर व वीडियोस अपने फ़ोन में कैद कर रहा था। इसी बात की भनक लगते ही चंद मीडिया रिपोर्टर्स ने एक मुतासरा खातून और सोशल वर्कर सफिया माही की मदद से इस दरिंदा सिफत फेक बाबा का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मुलजिम सैयद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया और इससे पूछताछ भी जारी है, जिससे पता चला है कि मुलजिम के फ़ोन में कई सारे ख़वातीन के फहश तस्वीर व वीडियोस पाए गए जो कि मुलजिम गुलबर्गा में मुकीम अपने एक और दरिंदा सिफत साथी को रवाना कर रहा था। एसीपी ने बताया कि अभी तक इस बात की वजाहत नहीं हो पाई है कि मुलजिम इन तस्वीर और वीडियोस के साथ क्या करता था, मगर अंदाज़ा लगाया गया है कि शायद ये वीडियोस व तस्वीर फहश वेबसाइट पर अपलोड करते हुए पैसा कमाया जा रहा था या फिर मुतासरा ख़वातीन को इन तस्वीर व वीडियोस के ज़रिए ब्लैकमेल करते हुए पैसों का मुतालबा किया जा रहा था। बहरहाल इस मामले में कई सारे राजों से अभी पर्दे हटाने बाकी है। पुलिस इस मामले में मुख्तलिफ जावियों से मसरूफ़ तहकीकात है। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। गुड मॉर्निंग, कल शाम में जो दोपहर में हमारे चंद्रनकुटा इंस्पेक्टर नागेंद्र प्रसाद वर्मा को एक इत्तला मिला था कि एक शख्स जो है सो औरतों के नूड पिक्चर्स लेना और नूड वीडियोस बनाना घरेलू मसलों से आप लोगों को बाहर निकालते बोल के उन लोगों को झूठे एहसास दिलाते हुए वो कर रहे बोल के एक इन्फॉर्मेशन आया था। उस सिलसिले में हमारे नागेंद्र प्रसाद वर्मा एक सोशल वर्कर के हेल्पर उनके मौजूदगी में एक डेकॉय ऑपरेशन करे। वो डेकॉय ऑपरेशन में एक सैयद हुसैन सन ऑफ आमिर अली 25 साल का है, लारी ड्राइवर काम करता, मोमिन गली राजेश्वर बसों कल्याण बीदर में रहने वाला शख्स है। ये इस शख्स को गिरफ्तार कर लिए। उनके पास मोबाइल चेक करने पर कई औरतों के नंगे वीडियोस और फोटोस, हाथों पैरों के फोटोस सब भी मिले और उस सिलसिले में हम लोग एक FIR इशू करके हम उस पर तहकीकात कर रहे हैं। उसमें जो है सो वो लोगों के घरेलू मसलों में और जिस्मानी प्रॉब्लम से दूर करते बोल के एक छोटा एहसास दिला के उन औरतों को फोटोज लेने और इन्होंने जो है सो यहाँ के उनके साली साहबा का घर को आए, उनके घर को आके 4 दिन से वो काम कर रहे बोल के मालूम हुआ। इनको जो है सो एक चारमार पे एक औरत मिले थे, उन्होंने हेल्प करे बोल के मालूम हुआ और ये निकाले से वीडियोज भी इनके एक दोस्त गुलबर्गा में रहने वाले शख्स को व्हाट्सएप में भेजा है बोल के मालूम हुआ। उस सिलसिले में हम केस दर्ज करके तहकीकात कर रहे हैं और इसमें सबसे गुजारिश है अगर कोई भी ये आदमी के झूठे इल्ज़ामों के झूठे उसको शिकार हो सो कोई भी औरत है तो कोई भी शख्स है तो हमारे पास आके आप लोग इन्फॉर्मेशन दीजिए और केस करना है और भी ये लोग ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से खड़ी एक्शन लेना है और अंदरूनी गहराई से अपन इसके एविडेंस इकट्ठा करना है। इस सिलसिले में जो सो हमारे CP साहब CV आनंद साहब और हमारे DCP साई चैतन्य साहब के निगरानी में ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में और कुछ भी आए तो अब अभी सेक्शन से ऐड करके अभी वो लोगों को वो लोग के ऊपर खड़ी से खड़ी सजा दिलाने के लिए हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे। ये एक्टिविटीज फिलहाल तो 4 दिन बोल रहे हैं लेकिन हम लोग साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे। उस सिलसिले में साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करके लोग कब से कर रहे हैं, ये पूरे कितने लोगों का निकाले, कौन कौन औरत है, उन लोगों का एविडेंस भी लेना है, ये सब करना है तो हम ये सब करेंगे। फिलहाल तो एक ही हुई है, अभी भी होने वाला चांस है। अभी तक कितने लोगों का आप हम नहीं बता सकते। इससे पहले भी हैदराबाद आए थे ये जो अरेस्ट हुए अब फिलहाल तो इन्फॉर्मेशन है 4 दिन
उन्होंने पहले न्याय बोल रहे हैं, लेकिन आए न्याय हर चीज भी साइंटिफिकली वी विल कलेक्ट द एविडेंस। फिलहाल तो एक ही है, फिलहाल तो एक ही है, इनके पीछे और कौन है, और कौन कौन है, क्या क्या कर रहे हैं, वो पूरा भी हम तहकीकात में बाहर लाएंगे। फोटोज कलेक्ट करके क्या किसको भेज रहे थे और मकसद क्या हो सकता है सर? अब वो जनरल थोड़े लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों का नंगी वीडियोस वेबसाइट पे वो अपलोड करते हैं, उसको व्यूज और उसका कंटेंट के लिए ऐसे पैसे कमाते हैं, और या नहीं तो ये लोगों को डरा के अपने को वीडियो आए उनके डरा के कुछ गलत हरकत कराने के चांसेस रहते हैं। वो कौन सा हो रहा क्या है अब हम लोग कौन से एंगल में जा रहे हैं, ये पूरा वो एंगल में हम लोग तय कर रहे हैं। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। अल हिजरा टूर्स एंड ट्रेवल्स हज एंड उमरा ग्रुप की जानिब से हज और उमरा एयर टिकटिंग टूर्स के पैकेजेस, वीज़ा इंडोर्समेंट, वीज़ा सर्विस कौमी और बैनुल-अक़वामी, इसके अलावा मक्के मुकर्रमा और मदीने के तमाम मुकामात की ज़ियारत की सहूलत और क़याम के लिए मक्के मुकर्रमा से 150 मीटर और मदीने मुनव्वरा से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर हैदराबादी शाही खाना और लॉन्ड्री होटल की सहूलियात भी दस्तियाब है। इस फ़ोन नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 9652531361। हमारा ईमेल आईडी alhijratourandtravels@gmail.com। मस्जिद कुबा, मुराद महल कॉलोनी, अमान नगर, हैदराबाद, तेलंगाना।